तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे जैसे डालते हैं तो कौन से टाइम आप वीडियो डालें ताकि जो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास वो वीडियो चले जाए और वो वीडियो जो उस टाइम वो देखने लगे, वीडियो में अच्छा जो रीच भी मिले, आपको वीडियो में व्यूज़ भी मिले। तो दोस्तों कौन सा वो टाइम जो बेस्ट टाइम होने वाला है वीडियो अपलोड करने का, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको कौन से टाइम पे जो है अपना वीडियो अपलोड करना होता है। दोस्तों ये भी सेटिंग दोस्तों आपको YT स्टूडियो दोस्तों उसके थ्रू ही देखने को मिलता है, उसमें दोस्तों सब कुछ पता चल जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपका YouTube चैनल है दोस्तों और उस चैनल पे दोस्तों 100 सब्सक्राइबर है या 150 सब्सक्राइबर है, 200, 500 जितने भी हैं दोस्तों, लेकिन वो सब्सक्राइबर कब कब एक्टिव होते हैं दोस्तों वो यूट्यूब जो है एनालाइज करके आपको बताता है और उसमें जो है व्यूज़ आपको तभी मिलता है अगर आप उस टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे। और दोस्तों अगर ये सेटिंग में आपको जो बताने वाला आपको नहीं भी शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको दोस्तों एंड एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आप जो है ये काम कर सकते हो और आपको व्यूज़ भी अच्छा अच्छा मिल सकता है उसमें। तो चलिए कौन सा वो तरीका है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त अंकुर और आप मेरा चैनल दोस्तों ज्ञान मंडल, ऐसे दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड काफी वीडियो में लेके आता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको अपना YT स्टूडियो दोस्तों अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो अपना जो यूट्यूब का दोस्तों चैनल है वो आपको लॉगिन कर लेना, जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे लॉगिन हुआ है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको देखिए ये फंक्शन तो सारे पता ही होंगे, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बेस्ट टाइम जो है यूट्यूब जो खुद बताता है कि आपको कब जो है वीडियो अपना अपलोड करना चाहिए। हमें जाना है अपने एनालिटिक वाले ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ जाने के बाद हमें आगे स्क्रॉल ऑडियंस वाले आपको ऑप्शन में जाना है। ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे इसमें जैसे कि मैंने जो है यूट्यूब पे दोस्तों जितने भी वीडियो डाले उतने उसके अनुसार जो यूट्यूब मुझे रिकमेंड करता है दोस्तों, व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, देखिए जो मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर है दोस्तों, ठीक है, वो कब कब जो है यूट्यूब पर जो है आते हैं वीडियो देखने, कब कब उनके पास समय होता है, तो ये देखिए YouTube ने खुद एनालाइज करके मुझे एक चार्ट भेजा है। उस चार्ट के थ्रू दोस्तों मैं अपना जो YouTube पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि जो है मेरे उसमें व्यूज़ आता रहे। तो देखो इसमें देखता हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर मैं सुबह जैसे दोस्तों मैं देखता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब मैं कुछ मतलब आपको दिखा रहा हूँ, तो जो फ्यू व्यूज़ जैसे हल्के हल्के आपको ये दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें कम व्यूज़ हैं, थोड़े हल्के से डार्क होंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ दिखेगा, जैसे कि इसमें देखिए इसमें दिखा रहा है, ठीक है, और जैसे थोड़ा बहुत और जैसे डार्क होगा दोस्तों तो थोड़ा व्यूज़ और बढ़ेगा, जैसे उसमें व्यू और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और एकदम जो पर्पल है दोस्तों जो पूरा एकदम पर्पल जो आपको दिख रहा होगा उस टाइम जो व्यूअर है दोस्तों ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कब कब यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है 11:59 PM पे दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो रात के टाइम जो व्यूअर जो वैसे ही ज़्यादातर लोग सो ही जाते हैं। मॉर्निंग में देखिए मॉर्निंग 6 बजे से जैसे 5:59 मॉर्निंग 6 बजे से लेके देखिए व्यूअर धीरे 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 एक्टिव होना शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पे दिखा फ्यू व्यूज़ के लिए हल्का हल्का पर्पल हो गया हल्का, ठीक है, उसके बाद जैसे 11 बज चुके हैं, 11 बजने के बाद थोड़ा तो जो है डार्क होने लगा है दोस्तों, फिर उसके बाद जो 11-12 बजे लमसम देखिए और ज़्यादा डार्क होने लगा है, और जो मेन मेरा व्यूअर है दोस्तों 6 बजे करीब जो है शाम के 6 बजे करीब जो है मेरा जो व्यूअर है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर इस टाइम मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ ज़रूर ही आता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें व्यूज़ नहीं आता है, मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ व्यूज़ आ ही जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, इतना आपको काम करना है, अगर आपके चैनल पे अगर ये शो कर रहा है तो आपको दोस्तों उसी के अनुसार अपना चार्ट देखना, चार्ट देखने के बाद आपका जो है ये आपको सामने आ जाएगा और उसके बाद आप वीडियो उसी टाइम अपलोड कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, उसी टाइम फिक्स आपको वीडियो अपलोड करना है। और दोस्तों लास्ट में बताऊँगा अगर इसमें अगर आप चार्ट नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको करना चाहिए कि आपको जो है जैसे आपका नया नया यूट्यूब है दोस्तों, कम से कम डेली जो वीडियो एक वीडियो अपलोड करता रहिए, डेली एक वीडियो अपलोड करता रहे, पूरा महीने के 30 दिन एक एक वीडियो अपलोड करते रहिए दोस्तों। उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई वीडियो जो है आपका चलने का चांस रहता है, और जैसे ही आपका कोई वीडियो चल जाएगा तो उसके बाद जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो यूट्यूब खुद ब खुद एनालाइज करके आपको जो ये चार्ट आपके सामने भेज देगा, और उसके अनुसार फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइम जो है अपना जो YouTube का जो वीडियो है किस टाइम डालना है। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक टाइम आपको
सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि सुबह अगर मॉर्निंग में आपको 8 बजे वीडियो डालने तो डेली के वीडियो 8 बजे आए, ताकि यूट्यूब को जो है पता चले कि बंदा जो डेली एक्टिव है और उसी टाइम ये वीडियो डाल रहा है। इसमें दोस्तों कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं होता है, सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर होता है और दोस्तों कॉन्टेंट के ऊपर होता है। जितना अच्छा कॉन्टेंट और जितना मेहनत होगा यूट्यूब खुद ब खुद उसको रिकमेंड करता रहेगा, ठीक है दोस्तों, और जो है आपका वीडियो जो है कभी ना कभी वायरल जरूर होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतने, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको काम का लगा है या नहीं। धन्यवाद।